हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे हिंदी मॉक टेस्ट के संबंध में आपसे इस वीडियो में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और इस वीडियो में आपको टोटल 20 प्रश्न मिलेंगे, और जितने भी आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने पहले के मॉक टेस्ट नहीं करे हैं तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। करंट अफेयर की वीडियोस नहीं देखी हैं 500 क्वेश्चनों की सीरीज़, तो उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। करंट अफेयर के मॉक टेस्ट नहीं करें हैं तो उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं, पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू करिए। और सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा और फिर मैं अपना उत्तर बताऊंगा, और फिर लास्ट में आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो पहला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो ये होता है अपकर्ष। बी ऑप्शन सही है इसका। पुत्र का, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये तनय, ये जो है ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, आम्र। ये जो है ये तत्सम शब्द है। अगला है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? टा ठा, अड़ा ढा, चा छा जा, ता ता धा, पा फा, बा भा। तो ये है चा छा जा जा। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों के अर्थों को जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका ऑप्शन आपका सही है सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। अगर आप किसी भाषा पर अधिकार करना चाहते हैं तो जब तक आप उसका अधिक से अधिक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप उस पर अधिकार नहीं कर सकते, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। तो ये होता है एकांकी। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। व्याकरण पंडित, व्याकरण, व्याकरण प्रणेता, व्याकरणाचार। तो ये है आपका व्याकरण। बी ऑप्शन इसका सही है, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है, उपयुक्त वाक्यांश जो है उसका चयन करना है। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं समाज सुधारक, संस्कृत पुरुष, देशभक्ति वाले व्यक्ति यानी देशभक्त या स्वामी भक्त। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला है, किस क्रमांक में सूत सुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? धागा घोड़ा, पुत्र सुई, सारथी पुत्र, सारथी धागा। तो इसका ऑप्शन आपका सही है सी, सारथी और पुत्र। सूत मींस होता है सारथी, सुत मींस होता है पुत्र। अगला है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा सही? तो ये होता है अनु प्लस एषण। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होती है स्वर संधि। विद्यालय शब्द में स्वर संधि है। पहला ऑप्शन इसका सही
सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला है समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन। तो इसका अर्थ है संक्षेप, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। समास का अर्थ है संक्षेप। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इसमें है द्विगु समास। चौराहा जो है शब्द वो द्विगु समास वाला है, क्योंकि यह संख्यावाची है, इसी वजह से द्विगु समास है। अगला है स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11, 12। तो स्थायी भावों की संख्या होती है 9। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। तो ये है आपका निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। मूक होई वाचाल पंगु, चढ़े गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रवहु, सकल कलिमल दहन। उपयुक्त में छंद कौन सा है आपको बताना है? दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है। तो इन पंक्तियों में जो है छंद है आपका सोरठा। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला, 4 चरणों वाला सम्मात्रिक छंद कौन सा होता है? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो ये होता है चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं। इसका ऑप्शन इसीलिए डी सही है। आगे लिखा गया है निर्देश। प्रश्न 18 से 20, निम्नांकित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नहीं नाश करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी और उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। अब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, अब हमारे प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न हमारा, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? कुसंग की महत्ता, अच्छी संगत, संगत या युवा पुरुष। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। तो बताइए इसका क्या शीर्षक होगा? तो इसका शीर्षक है सी, संगत। एक अच्छी संगत और बुरी संगत के बारे में इसमें बताया गया है। अगला है कुसंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बुरी संगत। डी ऑप्शन इसका सही होगा। लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बार फिर से मैं आपको नव वर्ष की बधाई देता हूँ, और आपका आने वाला नव वर्ष जो है आपके लिए खुशियाँ लाए और एग्ज़ाम में आप ज़रूर सफल हों, यही मैं कामना करता हूँ भगवान से आने वाले नए वर्ष के लिए आपके लिए। तो लास्ट प्रश्न है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति, उन्नति। तो बताना है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन आपका सही है, संगति का महत्व। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व। तो देखिए 20 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं हिंदी के, और हिंदी ऐसा प्रश्न है, सॉरी पोर्शन है, जिसमें आप 20 में से कम 17 या 18 नंबर ला सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न आपने सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो
और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।